दोस्तों, अक्सर रात के समय जब आसमान पूरा साफ होता है तो हमें आसमान में लाइन से तीन तारे दिखाई देते हैं। बहुत से लोगों को इन तीन तारों के विषय में कुछ भी पता नहीं होगा। सो जिनको पता नहीं है उनको इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। हम रात के समय आसमान में देखते हैं तो यह तीन तारे इस प्रकार दिखाई देते हैं। इन तारों के नाम इस प्रकार है। इस तारे का नाम है अलनीटक, इस तारे का नाम है अल नीलम और इस तारे का नाम है मिंटका। यह तीनों तारे ओरियन तारामंडल के ओरियन बेल्ट पर स्थित है। तो चलिए हम इन तीनों तारों को एक एक करके समझते हैं। अभी हम अल नीटक तारे के विषय में जानते हैं। यह तारा पृथ्वी से 1262 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तारे का तापमान 29,226 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सबसे ज़्यादा है। यह तारा सूर्य से 20 गुना बड़ा है, यानी इस तारे का व्यास 2,78,54,000 किलोमीटर है। अलनीटक तारा एक दो निबोला से घिरा हुआ तारा है। आपको बता दूं कि यह तारा दरअसल एक नहीं बल्कि दो तारा है, यानी ट्विन स्टार। हम जब भी देखते हैं तो हमें तो यह एक ही तारा दिखाई देता है। यह इसलिए कि जो दूसरा तारा है जिसका नाम अलनीटक AB है, यह तारा सूर्य से 7.3 गुना ही बड़ा है। इतना छोटा होने के कारण पृथ्वी से यह तारा दिखाई नहीं देता। अलनीटक तारे की आयु 6.4 मिलियन वर्ष है और अलनीटक AB तारे की आयु 7.2 मिलियन वर्ष है। यह अलनीटक AB तारे की खोज 1819 में एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज कुनोस्काय ने की थी। अलनीटक को ब्लू सुपर जाइंट स्टार कहते हैं और अलनीटक AB को ब्लू सब जाइंट स्टार कहते हैं। यह अलनीटक तारा आसमान में 31वां सबसे चमकीला तारा है। अभी हम अलनीलम तारे के विषय में जानते हैं। यह तारा पृथ्वी से 1344 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तारे का तापमान 27,226 डिग्री सेल्सियस है। यह तारा सूर्य से 32.4 गुना बड़ा है, यानी इस तारे का व्यास 4,51,23,480 किलोमीटर है। अलनीलम तारा यह एक सिंगल स्टार है और इसे ब्राइट ब्लू सुपर जाइंट स्टार कहते हैं। इस तारे की आयु लगभग 5.7 मिलियन वर्ष है। वैज्ञानिकों को पता चला है कि इस तारे पर बहुत तेज हवा चलती है और स्पीड अप टू 2000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह इसलिए कि इस तारे पर सूर्य से 40 गुना अधिक द्रव्यमान है। यह अलनीलम तारा आसमान में 29वां सबसे चमकीला तारा है। अभी हम मिंटका तारे के विषय में जानते हैं। यह तारा पृथ्वी से 1239 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तारे का तापमान 29,226 डिग्री सेल्सियस है। यह तारा सूर्य से 16.5 गुना बड़ा है, यानी इस तारे का व्यास 2,29,79,550 किलोमीटर है। यह भी तारा अलनीटक तारे जैसा ट्विन स्टार है। हालांकि हमें तो पृथ्वी से एक ही तारा दिखाई देता है, पर यह एक्चुअल में दो तारे हैं। मिंटका के दूसरे तारे का नाम है मिंटका AA2 है और यह तारा सूर्य से 6.5 गुना ही बड़ा है। मिंटका AA2 यह भी तारा छोटा होने के कारण पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। मिंटका तारे की आयु लगभग 3 मिलियन वर्ष है और मिंटका AA2 की आयु 3.9 मिलियन वर्ष है। 1900 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर हेनरी डेस लॉन्ड्रन ने खोज की थी कि मिंटका तारा यह एक नहीं बल्कि बाइनरी स्टार से। मिंटका तारा को भी ब्लू सुपर जाइंट स्टार कहते हैं और मिंटका AA2 को ब्लू सब जाइंट स्टार कहते हैं। आसमान में यह मिंटका तारा 73वां चमकीला तारा है। दोस्तों, अगर हम इन तीनों तारों को सूर्य के साइज से कंपेयर करें तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। यह तीनों तारे साइज में तो बड़े हैं, पर उम्र में सूर्य से बहुत छोटे हैं। यानी हमारा सूर्य इन तीनों तारों से 4.5 अरब वर्ष बड़ा है। अगर इन तारों को पृथ्वी से देखें तो यह मिंटका तारा सबसे नज़दीक है, फिर अलनीटक तारा नज़दीक है, फिर अलनीलम तारा नज़दीक है। यानी पृथ्वी से दूरी के मामले में यह पहला आता है, यह दूसरा और यह तीसरा आता है। सबसे चमकीले तारे में पहले नंबर पर अलनीलम तारा आता है, फिर दूसरे पर अलनीटक तारा आता है और उसके बाद तीसरे पर मिंटका तारा आता है।
कहा जाता है कि यह तीनों तारे ओरियन बेल्ट के तीन राजा हैं। आई होप दोस्तों आपको यह तीन तारे के विषय में अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।